आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। और वक्त तो चला है 5 मिनट में 25 खबरों का। पीएम मोदी ने सुषमा स्वराज के निधन पर जताया शोक, रविशंकर और गडकरी बोले हमने बड़ी बहन। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की दी मंजूरी। नहीं रही देश की सुषमा, श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी हुए भावुक। सुषमा स्वराज ने 70 मिनट तक लड़ी मौत से जंग, जान न बचा पाने पर फूट फूट के रोए एम्स के डॉक्टर। विज्ञापनों के जरिए भ्रम फैलाया तो फिल्मी हस्तियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। धरती की 5वीं कक्ष में पहुंचा था चंद्रयान 2, चांद की सतह से बस 30 दिन। मुरादाबाद में पत्नी ने फाड़ा 3 तलाक का कागज, कहा अब ये नहीं चलेगा। प्रयागराज में 4.25 करोड़ के गबन के आरोपी अफसर ने किया सरेंडर, पुलिस को पता चला चार्जशीट। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा, 2 वाहनों के चालकों की मौत, सेना का जवान। वाराणसी में ट्रेन से उतरते वक्त नीचे गिरा जवान, अस्पताल में इलाज के दौरान दम ली सांस। लखनऊ में निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, खर्च होंगे 109 करोड़। सुषमा स्वराज के सम्मान में दिल्ली सरकार ने घोषित किया 2 दिनों का राजकीय शोक। 18 दिन में 2 और 10 महीने में दिल्ली ने खो दिए अपने 3 मुख्यमंत्री। देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज, 1970 में रखा था राजनीति का कदम। जेएनयू में आधी रात को कश्मीरी छात्रों का प्रदर्शन, अनुच्छेद 370 हटाने का किया विरोध। उन्नाव कांड, एम्स में 5 डॉक्टरों की टीम पीड़िता के इलाज में जुटी। दिल्ली में बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग ने मेट्रो ट्रेन के सामने छलांग लगाकर दी जान। उत्तराखंड में 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून और पिथौरगढ़ में बंद रहेंगे सभी स्कूल। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरे विशाल बुलडोजर की चपेट में आई बस, 6 यात्रियों की मौत। रुड़की में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्र भेजने और पार्सल बुकिंग पर लगाया प्रतिबंध। उत्तराखंड में बच्चों को ले जा रहा स्कूली वाहन खाई में गिरा, 9 बच्चों की मौत, 11 घायल। देहरादून में अवैध खनन पर देर रात चला पुलिस का चेकिंग अभियान, 27 डंपर और 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज। निर्माता निर्देशक और ऋतिक रोशन के नाना जे ओम प्रकाश का निधन, 93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सुषमा स्वराज के निधन से सदमे में है पूरा बॉलीवुड, अमिताभ और लता मंगेशकर ने जताया शोक। बॉलीवुड से भी रहा है सुषमा स्वराज का लगाव, कई फिल्मों की शूटिंगों के टाइम भी पहुंची सेट। और अब दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एस न्यूज। आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की।